अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉश किचन लाइव। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं आप सबके लिए चिकन कारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन प्लीज़ आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा रेड फूड कलर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच बेसन ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही इस्तेमाल कर लिया है, आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैं अब इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे 1/2 घंटा कंप्लीट हो चुका है और चिकन में मेरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक तरह से स्टिक ले लूँगी, जिसमें मैं 1-1 करके चिकन, शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह से लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैंने बाकी सब भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसमें जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो 1-1 कर कर मैं इसमें से ऐड कर दूँगी। हमें इसे डीप फ्राई करना है, आप देख सकते हो मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ और मैंने गैस का फ्लेम भी मीडियम रखा है। हमें इस पर ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये जल्दी रेड हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा है। तो मैं इस तरह से दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
आप लोग देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे सर्व कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।